सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइज ऑन माई यूट्यूब चैनल स्वलोक गेमिंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइनक्राफ्ट की एक नई सीरीज जिसका नाम है हाई पिक्सल स्काई ब्लॉक, जो कि बहुत ही फेमस सर्वर है माइनक्राफ्ट में और यूट्यूब में भी, और ये हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में। तो इसमें हम खेलने वाले हैं और इसका ये पहला एपिसोड है, और इस पहले एपिसोड में हम देखेंगे कि हाउ टू ओपन मार्केट, बिकॉज मार्केट जो है उसको ओपन करने के लिए हमें स्काई ब्लॉक लेवल 7 चाहिए। अब पहले हमें सिर्फ 3 स्किल्स चाहिए होती थी, लेकिन अब हमें चाहिए स्काई ब्लॉक लेवल 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज़ को या इस एपिसोड को, और देखते हैं कि हाउ टू ओपन मार्केट इन हाई पिक्सल स्काई ब्लॉक इन जस्ट फर्स्ट डे ऑफ योर गेमिंग प्रोफाइल। सो लेट्स स्टार्ट। और बट उससे पहले आप एक काम करो, आपको अगर माइनक्राफ्ट खेलना पसंद है या आपको हाई पिक्सल की सीरीज़ देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो स्वलोक गेमिंग, क्योंकि इस पर मैं ऐसी ही और अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज लाना चाह रहा हूँ। तो डू सब्सक्राइब लाइक। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और देखते हैं कि कहते हैं हम मार्केट प्लेस खोल सकते हैं पहले ही दिन में, और इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। कंटिन्यू। तो स्काई ब्लॉक का जो लेवल अपग्रेड करने के लिए, यानी अपनी प्रोफाइल का जो लेवल अपग्रेड करने के लिए, आपको चाहिए स्काई ब्लॉक एक्सपी। ठीक है। सो स्काई ब्लॉक एक्सपी आपको कैसे मिल सकता है? स्काई ब्लॉक एक्सपी आपको तब मिलेगा जब आप अपनी कोई भी स्किल्स को अपग्रेड करोगे या उसमें उसकी जो लेवल्स है उसको अपग्रेड करोगे। जैसे कि अगर आप फार्मिंग में जाते हो और आप वीट तोड़ते हो, तो जब वीट लेवल 2 का हो जाएगा या जो आपका फार्मिंग लेवल है वो अपग्रेड हो जाएगा, तब आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, जिस रिवॉर्ड में आपको पर्स में जो कॉइन्स दिख रहे हैं वो कॉइन्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको स्काई ब्लॉक एक्सपी मिलेगा। तो ऐसे ही आपको स्काई ब्लॉक एक्सपी अपनी माइनिंग स्किल्स को या फिर अपनी वुड कटिंग स्किल्स को या इंचेंटिंग स्किल्स को अपग्रेड कर करके आपको स्काई ब्लॉक एक्सपी मिलेगा, जिससे आपका मार्केट खुलेगा। तो चलिए ये सब काम कर लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद देखते हैं आगे इस एपिसोड में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जा रहा हूँ माइनिंग करने, क्योंकि माइनिंग में एक्सपी बहुत ही ईजीली मिल जाता है। उसके लिए सिर्फ हमें चाहिए सैंड बायो में जाएंगे या सैंड आइलैंड पे जाएंगे और वहाँ पे हम सैंड माइन करेंगे अगर सोवल से, तो हमारा माइनिंग एक्सपी बहुत ही जल्दी बढ़ता है और हमारा माइनिंग लेवल भी बहुत ही जल्दी अपग्रेड होता है। तो उसके बाद फिर हम जाएंगे कबल। तो माइनिंग वगैरह जाने से पहले हमें काम करते हैं कि हम ये बी के पास जाके एक पेट खरीद लेते हैं, जिससे कि हमारी जो टेमिंग का एक्सपी है वो भी अपग्रेड होता रहेगा अगर हम माइन करेंगे या फिर हम फार्मिंग वगैरह में जाएंगे। तो हम ये बी के पास जाएंगे या जो भी नाम है इसका, इसके बाद जाएंगे और हमें ये पहला वाला बी पैड खरीद लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 5000 कॉइन और 2 कोल के ब्लॉक और 2 गोल्ड के ब्लॉक। तो ये आप ले लेना सबसे पहले। ठीक है। तो ये मैंने ले रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर यहाँ से ले जाना है स्पाइडर डैन में। ओके। फिर स्पाइडर डैन में जाने के बाद आपको वहाँ पर जाके मिलना है ग्रैनी बुल्फ से, और वो आपको एक बुल्फ पैड दे देगी जो कि कॉम्बैक का पैड है, जिससे उसका भी लेवल अपग्रेड होता रहेगा। तो आपका जो टेमिंग के अपग्रेड्स हैं वो भी मिलते रहेंगे और टेमिंग का जो स्किल लेवल है वो भी हमारा अपग्रेड होता रहेगा। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी पेट्स वगैरह हैं वो आप जाके लेते रहें, क्योंकि इससे हमारा जो टेमिंग के लेवल है वो भी बढ़ते रहेंगे। सो उसके बाद फिर हम चलते हैं माइनिंग करने। सो यहाँ पे मैं माइनिंग के जो प्रोसेस है वो बहुत ही बोरिंग है, सो इसके लिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और आप इसे इन्जॉय करेंगे 400 एक्सपी। सो आफ्टर माइनिंग हम आ चुके हैं इधर फार्म की साइड, और यहाँ पे हम थोड़े बहुत एनिमल्स को मारेंगे, जिससे हमारा लेवल भी अपग्रेड होगा कॉम्बैक्ट का, और एनिमल्स के भी लेवल अपग्रेड होंगे, और साथ ही साथ जो हमारे पेट हैं जो हम वुल्फ ग्रैनी से लेके आए हैं वो भी अपग्रेड होगा। तो यहाँ पे हमारा बहुत सारे फ़ायदे हैं। सो यहाँ पे हम मॉब्स या एनिमल्स को मारने के बाद जाएंगे उधर वीट को काटने के लिए, जो कि वहाँ पे उगा हुआ है फार्म साइड में, या यहाँ पे भी जो वीट्स हैं या पटेटो वगैरह हैं इनको भी हम काटेंगे, जिससे हमारा फार्मिंग लेवल भी अपग्रेड होगा। तो फटाफट से निकल लेते हैं हाई स्पीड में, उसके बाद फिर चलते हैं अपने आइलैंड में। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने आइलैंड पर, यहाँ सामने आपको दिख रहा होगा एक स्नो मिनियन। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यहाँ पर सामने एक स्नो मिनियन ही है, और ये मेरे को एक बंदे ने दिया था जो जब मैं हब में घूम रहा था मार्केट के आसपास या ऑक्शन के आसपास घूम रहा था, तो वो बंदा सबको गिफ्ट दे रहा था। उसने मेरे को भी 5-6 गिफ्ट दिए और उसमें भी मेरे को बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें मिली, उनमें से एक था स्नो मिनियन जो कि बहुत खतरनाक चीज़ है गाइस। और ये सबसे फास्ट वर्क करते हैं, और इसे मैंने 4 लेवल का पहले ही अपग्रेड कर रखा है और हम इसे मैक्स करने वाले हैं। ओके। ओ सॉरी, ये मिनियन एक ही लेवल का है बट मैंने ये स्नो चेस्ट लगा रखा है, तो इससे हमारी स्टोरेज बढ़ जाती है। तो फिर इसको हम फटाफट से अभी अपग्रेड करेंगे, और मेरा मार्केट प्लेस खुल चुका है जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वहाँ से अब हम अपने सामान वगैरह जो है वो बेच सकते हैं या ख़रीद भी सकते हैं, जो कि अर्ली गेम्स में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और हमें
एक स्नो मिनियन भी मिल चुका है, तो मैं और भी कई सारे मिनियन बना लूँगा, बट पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरा मार्केट प्लेस खुल चुका है। सो ये हम आ चुके हैं हब में और यहाँ पे सामने है मार्केट और देखते हैं कि ये हमारा खुला है कि नहीं खुला है। जैसा कि मैंने आपको कहा ये खुल चुका है और यहाँ हम बाज़ार पे क्लिक करते हैं और ये हमारा बाज़ार खुल चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नो ब्लॉक है, इंटेंटेड स्नो है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से बाय भी कर सकता हूँ ये, हालांकि ये बहुत ही महंगा है इंटेंटेड स्नो, 574 रुपये का है, 574 कॉइन्स का है। इतना मेरे पैसा भी है नहीं और ना इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं अपने स्नो मिनियन को अपग्रेड करने के लिए स्नो मिनियन से ही काम चला लूँ, जो वो स्नो बनाएगा उसी से उसको अपग्रेड कर लिया जाएगा, बट यहाँ पे मैं बाद में भी आके काम कर सकता हूँ। तो यही मैं आपको बस दिखाना चाह रहा था कि स्नो मिनियन हमारा हमारा मार्केट खुल चुका है। थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो जा रहा हूँ शब्दों को लेके, बट कोई बात। सो अब हम ये आ चुके हैं हमारे आइलैंड पे और यहाँ पे आने के बाद अब हमारे पास एक काम और बचा हुआ है, ये जो स्नो मिनियन के बगल में खाली जगह है यहाँ पे हम बहुत सारे मिनियन लगाने वाले हैं, जैसे आयरन मिनियम मिनियन आयरन मिनियन और गोल्ड मिनियन और वुड मिनियन जो भी हैं, जंगल वुड या एशियन वुड या जो भी वुड है, ये हम वुड वगैरह के जो मिनियन वगैरह ये प्लेस कर रहे हैं। तो आप टाइम लैप एंजॉय करो, तब तक मैं ये काम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने सारे मिनियंस को प्लेस कर दिया है और तो दो चार जगह भी छोड़ दी हैं आगे फ्यूचर में जो हम बनाएंगे उनके लिए। और ये है जो आपने अभी देखा, ये थी फार्मिंग आइलैंड की रेसिपी, जहाँ पे एक आइलैंड बन जाएगा जहाँ पे अपने आप वीट ग्रो होगा, बस हमें जाके उसे तोड़ना होगा। तो फटाफट से वो बना लेते हैं, उसके लिए हमें चाहिए हेबेल, तो यहाँ पे हम फटाफट से हेबेल बनाएंगे और उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए देखते हैं। हमने यहाँ पे बना लिया हेबेल और हेबेल बनाने के बाद हमें चाहिए डर्ट, तो हमें लगभग 30 डर्ट चाहिए और बाकी 15 हेबेल चाहिए। तो ये बनाने के बाद हम फटाफट से दो आइलैंड बना लेते हैं। ओके, तो दो आइलैंड बनाने के बाद इन्हें हम प्लेस कर देंगे। सो पहला आइलैंड को हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, जिससे इस साइड का हमारा जो पाथ है वो भी क्लियर हो जाए और हमारी जो आइलैंड है वो भी बड़ा दिखे। जब दोनों कनेक्ट करेंगे तो बहुत ही ख़तरनाक दिखने वाला है। और एक आइलैंड को हम लाएंगे यहाँ पे और जैसे कि ये बनता है तो बहुत ही ख़तरनाक लगता है, मतलब बिल्कुल ओपी। ओके, सो यहाँ पे एक हमने आइलैंड लगा दिया और अब हम फटाफट से इन दोनों आइलैंड को कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने आज मार्केट प्लेस भी खोल लिया पहले एपिसोड में ही और स्नो मिनियन भी मिल गया हमें बिकॉज ऑफ द लक ऑब्वियसली, और हमारे पास फार्मिंग आइलैंड भी आ चुका है दो। ओके, और उसके बाद फिर हमारे पास बहुत सारा सामान आ चुका है और हमारा लेवल भी बहुत अपग्रेड हो चुका है, हमारी हेल्थ भी 226 हो चुकी है और डिफेंस भी 90 हो चुका है और साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे मिनियंस भी आ चुके हैं। सो इस एपिसोड के लिए हम इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और हमारे पास पेट वगैरह भी आ चुके हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पीस आउट।